जो हेलो क्या मंगवाया वो लेके आओ। क्या क्या मंगवाया? मीठी मीठी चीजें लेके तो मम्मा के मम्मा के लिए हमने मंगाए हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो कि मम्मा के फेवरेट है। क्या मम्मा देखो आप लोगों ने क्या मंगवाया आपके लिए। देखो वो मिर्ची बड़ा और क्या हो कचौरी जलेबी आपकी फेवरेट। वाह गरम गरम मुझे वाह मम्मा। और पता आपको लोगों ने आपको कितना प्यार दिया पिछले व्लॉग में। हेलो गाइस मेरे को जलेबी बहुत ज्यादा पसंद है। वो जो भी बाहर जाता है बेटा उस पे बोलते जलेबी मंगा के दे बहू को बोलते जलेबी मंगा के। तो आज किसने मंगवाई आपके लिए बताओ यार नीतू सेवा में। और अब ये बताओ कल आपके व्लॉग में कल के व्लॉग में आपको इतना प्यार दिया लोगों ने इतना प्यार दिया है अब आप उनको क्या कहना चाहोगे? थैंक यू हाथ जोड़ के थैंक यू सबको मेरी तरफ से। आपको सबको ऐसे ही प्यार देना हो मैं भी आपको ऐसे ही प्यार देती हूँगी। और आप सब जलेबी आइयो जलेबी खाइयो अच्छी अच्छी लेके आती हूँ। आप सब मेरी तरफ से जलेबी खाना मैं खुआ रही हूँ आपको प्यार से। वो देखती हूँ क्या है। वाह इमरती इमरती भी बहुत पसंद है मुझे। मैंने बोला कि नहीं ये नहीं मंगवाऊंगी मैं मुझे नहीं अच्छी लगती ये। मुझे अच्छी लगती है मैं उन्हें बड़ा थोड़ी सी तो लेके आना भाई। ये मिर्ची बड़ा भी बहुत अच्छे से पसंद है मेरे को। खाने का टाइम हो रहा है नीतू ने मंगाया है अब से नीतू के ब्लॉक में धूमधाम से आने सने हो जाऊंगी क्योंकि ये जलेबी खुआ रही मेरे लिए। तो गाइस मोस्टली मम्मा आपको मेरे ब्लॉग में दिखेंगे ब्लॉग में देखो मैं क्या एक तो जोड़ी जाऊंगी खा के जलेबी पार। बताओ यार I know you hurt. I know you hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me. You always got me. I'll lose you forever, chase away all of your bad dreams. हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे आप सभी होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा डेली रूटीन का काम हो गया है और मैं रेडी हो गई हूँ। और मैंने कुछ इस टाइप का कुर्ता वेयर किया देख सकते हो आप क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम हो गया कुछ ऐसा पहने में मुझे तो मैंने सोचा चलो आज ऐसा कुछ वेयर करते हैं। और इस पर थोड़ा सा वर्क भी है जो कि कैमरा में नहीं दिख रहा होगा शायद बट मुझे लाइट जो वर्क होते हैं कॉटन में वो बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे कॉटन ही कुर्ती ज़्यादा पसंद होती है एक्चुअली। तो देख सकते हो मेरा जो पूरा लुक है और हेज़ल और किशु इधर दोनों खेल रहे हैं। तो मेरा जाने का है थोड़ा सा बाहर आके मम्मा मेरे आएंगे मुझे लेने। देखो कहाँ जाते हैं। सो मेरे जो मम्मा हैं वो आएंगे मुझे लेने क्योंकि मतलब मैं अकेले तो कैसे जाऊँ हेज़ल के साथ और चंदन की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो देखते हैं कैसा होता है लाइक आज का दिन कैसे निकलता है। ऐसे डेली रूटीन का काम मैंने कर दिया और अभी जस्ट प्रीति भाभी साहब भी आए हुए हैं घर पे तो मैंने सोचा ठीक है मम्मा के पास और आ जाएंगे और मैं चली जाती हूँ। तो देखती हूँ अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है मैं जाऊँगी ही पक्का। खैर ड्रेस तो मैंने ऐसे ही पहन ली क्योंकि मेरा मन कर रहा था। चलो फिर हेज़ल भी उठ गई है मैं इसको थोड़ा सा दूध वगैरह पिला देती हूँ लाइक ऊपर का जो मैं मिल्क पिलाने लग गई हूँ आजकल इसे तो इसको भी कुछ खिला पिला देती हूँ। और हेज़ल की भी यू नो आपको पता ही है आजकल लाइक थोड़ा सा उसको लाइक कोल्ड नहीं बोल सकते हम थोड़ा सा नाक में पानी वगैरह आ रहा है उसके। तो मैं और मम्मी निकल चुके हैं और मम्मा आए मुझे फिर लेने फिर पास में ही है तो ठीक है। और मम्मी के हाथ में हेज़ल है और मेरे हाथ में हेज़ल का बैग। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है वैसे ठंड सा है तो देखते हैं आज का क्या प्लान बनता है। हे भगवान पैदल तो पता है इतने टाइम बाद में चल रही हूँ मैं थक चुकी हूँ चलते चलते इतने टाइम बाद में मैं पैदल चली हूँ ना यार। तो यार वैसे पैदल चलना चाहिए इंसान को
मुझे ऐसा लग रहा है ये रजनी है, लेकिन ये रजनी नहीं, कोई और ही थी। तो ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है मेरा ससुराल और पी है, बस मतलब 5 मिनट मुश्किल से लोग पहुँच जाते हैं इस घर से उस घर, इस घर से बचो बताओ। रात अबार में नींद का मैं सो रही तकड़ी, और मैं बोले सुन ए मेरा वो जो बेड ने भी ऊपर ने हिजल में सुन जाए और सुन ने तो ने खतली रख जे भी के नीचे। मैं बोले बताओ है वो तेरा मोतिया कलर वाला हटे बिछा लिए ही वो प्लास्टिक वाला ने। अच्छा वो मोतिया लोगे वो जो नीचे बिछा वाले, अरे ठीक है नीचे आना भाभी साहब मम्मा को सी ऑफ करने है ना। अरे 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 खड्डे वाले पापा पूरी केयर कर दी है ठीक है मम्मी बाय ठीक है सब बाय बेटा डांसर है ना पढ़ना और तो इज्जत का ध्यान रखना ठीक है काम करो है को नहीं की गणो और ध्यान राख की छोरी केयर करना दी। अच्छा मेरा काम हो नहीं गणो है। हां ध्यान राख की हो ये कोई है काम तो ठीक है हाय जो बाय जो नाराज हो रही है ऋषु भी नाराज हो रहे हैं। ऋषु को तो मुंह भी देखने लायक ही हो रहा है। ऋषभ रात का ही मौन है, बोलता ही नहीं है। ठीक है ऋषभ आपको जाना है क्या? जा नहीं सकता था ऋषभ, अपन चलेंगे ऋषभ, अपन चलेंगे। रोने लग गया ऋषभ, रोने लग गया बस नरवा है। अच्छा हाथ तो मिलाएगा प्यारा बेटा, नहीं रोते नहीं है प्यारा बेटा। मैं आ जाऊँ हेलो नहीं बाय। तो मम्मी पापा निकल चुके हैं और मम्मी वगैरह खाना पैक करवा के लेके गए, तो आप देख सकते हो अब मैं पूरी किचन करने वाली हूँ साफ। हेजल को मैंने बैठा दिया है और अब मैं करूँगी पूरी किचन साफ। तो शूट करते करते मेरा फ़ोन की जो बैटरी थी वो डेड हो गई थी, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मुझे भी पता नहीं चला था। मुझे लगा शायद शूट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं थोड़ा सा ही हुआ। तो स्किप किए बिना पूरा व्लॉग देखना, वो बहुत मज़े आने वाले हैं आज के व्लॉग में। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। तो आज मैंने करा है ये सारा सेट किया है पूरा, हेज़ल सुला दिए मैंने फिर हेज़ल को, और आज मैं नहाई भी नहीं हूँ। टाइम देखो आप 2 बज रहे हैं। तो ये इधर सेट किया पूरा, ये भगवान इतना सामान निकला है इस ड्राइनिंग पर, इतना सामान मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। पूरी तरीके से भर रखी थी पापा ने अच्छे से, तो ये ड्राइनिंग एरिया कर दिया मैंने। पहले हमारा इधर सोफ़ा था, और क्यों करा, क्योंकि टीवी की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग टीवी नहीं देख पाते यार इधर, तो इधर मैंने सोफ़ा कर दिया। अब इसको थोड़ा सा ना ऐसे करूँगी मैं यूँ, और सेंटर को टेबल को यहाँ लेके आऊँगी, क्योंकि हीजल जाग गई थी ना इस वजह से मैं कर नहीं पाई थी। और बाकी हम लोगों ने टीवी पैनल भी बनाया है अभी, यहाँ से लेके पूरा टीवी पैनल बनेगा। देन यहाँ पूजा घर का वो सिस्टम भी बनवाया है, लाइक ऑर्डर दिया है। हीजल के पापा कल आएंगे, तो कल से या परसों से जब भी काम स्टार्ट होगा वैसे आपको व्लॉग के ज़रिए मैं बता दूँगी। तो ये पुरानी टेबल भी अब चली जाएगी, इसको आप बहुत देखते होंगे व्लॉग में, और स्पेशली इसी के लिए हम लोग बनवा रहे हैं क्योंकि पापा इसको जाने नहीं देते। और टीवी पैनल अब बनेगा तो ये अपने आप निकल जाएगी यहाँ से। तो ये है, और बाकी किचन का तो चलो किचन में चलते हैं। किचन की भी मैंने पूरी सफाई की है ऊपर से, लाइक ये पूरा ड्रॉर्स, ये जितने भी ड्रॉर्स है अब तो थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि मैंने अभी जस्ट खाना खाया गाइस, तो अभी इग्नोर करना थोड़ा सा ये वाला सिस्टम। किचन भी साफ़ कर दिए पूरा, ये ऊपर से ये, उसमें तो चलो मिर्च मसाले वगैरह पड़े हैं इसलिए वो ज़रूरी भी है कि इसमें हमारे जो भी लाइक 12 महीने का पूरा जो स्टॉक होता है वो यहाँ रख देते हैं हम लोग। मिर्ची, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर सारा वहाँ सेट किया हुआ है, तो उसको मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती थी। बाकी मैंने पूरा हॉल चेंज कर दिया, देख सकते हो आप।
अभी मुझे समेटने कपड़े, हेजल सो रही है, नहाना है और मैंने वॉशिंग में कपड़े धोए थे आज, कपड़े भी बहुत धोए। ये देखिए कवर्स वगैरह, और इसमें डाल रखी है मैंने बेडशीट, वो निकाल के और एक बार और मशीन चलानी है। मम्मी के भी धो दिए, सबके धो दिए और सूख भी गए होंगे क्योंकि सुबह जल्दी धोए थे मैंने मम्मी की जाते। मैं आई हूँ फटाक से शावर लेके क्योंकि हेजल जाग गई थी, तो फटाक से मतलब आई हूँ और अभी वो खेल रही है, आप देख सकते हो अकेले, और मैं उसके पास जाऊँगी, उसको भी खाना वाना भी खिलाना है क्योंकि उठी है ना जस्ट, और मतलब मुश्किल से 20 मिनट सोई होगी वो, लेकिन ठीक है मतलब पहले खा के भी नहीं सोई थी तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं अब खिला दूंगी। अब उठ गई तो मैं सोचा ब्लॉग भी एंड कर देती हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया ब्लॉग भी, और अभी लोशन वगैरह कुछ लगाया नहीं है, जाके लगाऊंगी। तो होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब करो, डू सब्सक्राइब, मतलब जितना मतलब आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो, लाइक कर रहे हो और कमेंट्स भी अच्छे आते हैं, लाइक्स भी अच्छे आते हैं, व्यूज़ तो बहुत ही अच्छे आते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर उतने नहीं इंक्रीज़ हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस। मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली व्लॉग डाल सकूँ, तो अब से मैं डेली भी कोशिश करूँगी, कंफर्म नहीं कह सकती हूँ आपको क्योंकि यार बहुत बच्चे का बच्चे का काम रहता है, ये देखो आप बच्चा मेरा अभी मुझे ये भी नहीं पता वो कर क्या रही है। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच यार, आप इतना प्यार भी बहुत दे रहे हो मुझे, उसके लिए भी थैंक यू सो मच, और ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ गुड डे।